ये है पूरे 9 महल। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से। तो सर्दियों के अंदर यहाँ पर रहा जाता था। तो ये देखिए यहाँ पर लकड़ी की एक अंगीठी बनाई गई है। तो ये जो पूरा पैलेस है नीचे वाला, ये सर्दियों का पैलेस है। रानी यहाँ पर रहा करती थी सर्दियों के अंदर। यहाँ पर खाना बनाया करती थी दासियां इस साइड में। देखिए यहाँ पर ये रसोई बनी है, देखिए इस तरह से। वो ये है चिमलियां, यहाँ से धुआं बाहर निकला करता था इस किचन का। भी पहले गैस तो थे नहीं, लकड़ी वगैरह जलती होंगी। तो देखिए कितनी बड़ी पूरी चिमनी बनी हुई। अगर देखो वाली जगह, वहां से निकला करता था धुआं। तो ये रानी की रसोई थी, रानी को यहाँ पर खाना बना करता था। तो अब चलते हैं इस साइड में। तो यहाँ पे बने हुए थे टॉयलेट, ये बने हैं रानियों के टाइम के, उस टाइम के ही टॉयलेट। अभी हम खड़े हैं इस स्टोर रूम में, ये है किचन का स्टोर रूम, रसोई घर का। और सामने देखो रसोई घर है, ठीक है। इधर ऊपर जाने का रास्ता है इस प्लेस की, मतलब कि 9 रानियां थी, 9 के 9 रानियों का इसी तरह से नीचे प्लेस बना हुआ है, इसी तरह से 9 की 9 रानियों का ऊपर प्लेस बना हुआ है ऊपर।